पाकिस्तान का अहले फलस्तीन से भरपूर यकजहती का इजहार, ऐवान सदर में तमाम जमातें हम आवाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा फलस्तीन की आजाद रियासत का क्याम और बैतुल मकदस उसका दारुखिलाफा होना चाहिए। इसराइल जो मजालिम फलस्तीन में ढा रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या फलस्तीनी बच्चों की आवाज आलमी जमीर तक नहीं पहुँच रही? फलस्तीन की सूरत हाल पर आलमी जमीर को अब जागना होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलमी बिरादरी इसराइल को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोकने में नाकाम रही। मियां नवाज शरीफ ने कहा, मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद न की तो मासूम फलस्तीनियों का खून बहता रहेगा। ऐसी अक्वामे मुत्तहिदा का क्या फायदा जो दुनिया को इंसाफ ना फराहम कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा और बैनुल अक्वामी सतह पर इसराइल को बेनकाब करता रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अरब सरजमीन पर यहूदी ममलकत का जवाज नहीं। कायद आजम ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसराइल की फलस्तीनियों की नस्ल खुशी पर मबनी इकदाम की सख्त मजम्मत करती है। गजा में स्कूल मसाजिद इबादत गाहों पर हमलों की सख्त मजम्मत करते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया, कहा फलस्तीन अवाम को गैर मुतजलजल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। सीडीए ने इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया। जराए का कहना है कि एपी हाउस को बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमे में बानी पीटीआई को भी नामजद किया गया। पीटीआई क्यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा की तादाद 12 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रात गए पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का कहना था, पुराम जद्दोजहद मुनज़्ज़म अंदाज से जारी रहेगी। हमने मुल्क और निज़ाम ठीक करना है। निज़ाम ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, अपने मकसद पर तवज्जो देनी है। इस मौके पर कारकुनों और पार्टी कायदीन की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रवायती पगड़ी भी पहनाई गई। कराची में गैर मुल्कियों पर किए गए खुदकुश हमले में 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है, एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी डबल कैबिन गाड़ी गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकराई। धमाका इतना शदीद था कि बम प्रूफ गाड़ी भी शदीद मुतासर हुई। 2 चीनी इंजीनियर्स हलाक, 1 जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की चीनी सफारतखाने आमद, चीनी सफीर से मुलाकात। कराची धमाके में 2 चीनी शहरियों की मौत पर इजहार अफसोस। चीनी सिफारतखाने ने कराची धमाके में अपने 2 शहरियों की मौत और 1 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। दहशतगर्द हमले की मजम्मत बयान में कहा, फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त की है। हमलावरों को सख्त सजा दी जाए। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम किए जाए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला है। वाकई की मजम्मत करते हैं। मुजरिमों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजीद ब्रिगेड समेत बुजदिलाना हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची में दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। चीनी क्यादत और अवाम से ताजियत का इजहार, कहा मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात की जा रही है। वाकई के जिम्मेदार पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। चीनियों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी कहते हैं, दुख की घड़ी में चीनी शहरियों के साथ हैं। बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश की। जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बिलावल भुट्टो ने धमाके की मजम्मत कर दी। वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब, अमन व अमान का क्याम यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इकदाम की हिदायत। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इसराइल की दहशतगर्दी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इसराइल को असलहा अमरीका फराहम कर रहा है। ट्रंप और कमला हैरिस बहस कर रहे हैं कि कौन ज्यादा इसराइल को सपोर्ट करेगा। एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। पुलिस और दीगर इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज करें। वज़ीर आला सिंध की अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। धमाके की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने की हिदायत।
कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोऑर्डिनेशन मजीद मुस्तहकम करने की भी हिदायत। इजलास में वजीर दाखिला, आईजी, डीजी रेंजर्स, कमिश्नर कराची और दीगर की शिरकत। दहशतगर्दी की कार्रवाई, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला है, वाकई की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है, मुजरमों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजीद ब्रिगेड समेत बुजलाना हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। चीनी सफारतखाने की कराची धमाके में अपने दो शहरियों की मौत और एक के जख्मी होने की तस्दीक। दहशतगर्द हमले की मजम्मत, बयान में कहा, फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त की है। हमलावरों को सख्त सजा दी जाए। चीनी शहरों की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम किए जाए। ऑपरेशन तूफान अलक्सा का एक साल, हमास का कहना है तूफान अलक्सा ने इसराइल का भरम तोड़ दिया। एक साल पहले की गई दलेराना कार्रवाइयों ने ताकत का तवाजुन बदल कर रख दिया। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अहिया ने कहा, हमारा मकसद वाज़ेह है, हम अपनी सरजमीन, मुकद्दस मकामात की मुकम्मल आज़ादी और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के ख्वाहां हैं। इसराइली कैद से फलस्तीनियों को आज़ाद किया जाए। एक साल से बैनुल अक्वामी बरादरी गजा पर इसराइली हमले रोकने में नाकाम, गजा खंडरात में तब्दील। इसराइली फोर्सेस की जबालिया में कैंप पर बमबारी, 9 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। अलक्सा कैंप अस्पताल के करीब भी बमबारी। हिजबुल्ला का इसराइल के शहर हीफा पर रॉकेटों से हमला, 10 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली दिफाई निजाम रॉकेट हमला रोकने में नाकाम रहा। लबनान और इसराइल की सरहद पर लड़ाई के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक। बैरूत रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा, 12 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। इसराइल सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसकी पुष्ट पनाही करने वाला अमेरिका भी बड़ा दहशतगर्द है। फलस्तीन के मुजाहिदों, तुम बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हो, मिलियन मार्च पूरी उम्मत की जानिब से इजारे यकशहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान का कराची में अलक्सा मिलियन मार्च से खिताब, कहा 45,000 लोग गजा में शहीद हो चुके, उनमें 30,000 से ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। मुसलमान ममालिक अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 634 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 84,000 की सतह उबूर कर गया। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आजम स्वाति, आमिर मुगल और बैरिस्टर सैफ और दीगर पर जीटी रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इकदाम कत्ल समेत 14 दफात शामिल हैं। आजम स्वाति पर माली मुआवनत और अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 5 अक्टूबर को लाहौर में होने वाले हंगामों में गिरफ्तार पीटीआई के 17 कारकुनों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा, राय मोहम्मद अली समेत दीगर कारकुन शामिल। आईजी इस्लामाबाद है कौन, डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिया। आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। केपी हाउस में अभी तक पते बिठाए हुए हैं। 24 घंटे गुमशुदा रहने के बाद वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री। केपी असेंबली पहुंचकर खिताब में कहा, मैं केपी हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए, केपी हाउस पर धावा बोला गया, शेलिंग और फायरिंग की गई, मैं 3 बंदों के साथ केपी हाउस से निकला, अकेला 12 जिले क्रॉस करके असेंबली पहुंचा हूँ। मैं सिर्फ अली अमीन नहीं, सूबे के आवाम का मैंडेट हूँ, मुझे थ्रेट्स हैं, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। आईजी इस्लामाबाद माफी मांगे वरना एफआईआर दर्ज कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का किरदार विलन जैसा है, उन्होंने बुजदली का मुजाहिरा करके पख्तून रिवायात की नफी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बताएं कहां गायब रहे। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं, एहतजाज की आड़ में लोगों का कारोबार जिंदगी मफलूज किया गया, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जाने वाला खुद ही गायब हो गया। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, आप जिन बच्चों को लेकर आए उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, एक कांस्टेबल शहीद किया गया, उसका खून किसके हाथ पर है।
इस्लामाबाद से गुमशुदा चार भाइयों की बाजियाबी का केस, चीफ जस्टिस आमिर फारूक अदम बाजियाबी पर बरहम। एसएसपी रावलपिंडी, एसएसपी इस्लामाबाद 10 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा। एसएचओ की कितनी तनख्वाह होती है? पुलिस अफसर ने कहा ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख होती है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या 1.5 लाख रुपए में F6 और F7 में घर बन सकता है? पुलिस अफसर ने जवाब दिया नहीं माय लॉर्ड। चीफ जस्टिस ने पूछा फिर वहाँ घर कैसे बन रहे हैं, क्या फरिश्ते पैसे दे रहे हैं? पाकिस्तान में कभी भी मुतवाजी अदलिया कायम नहीं की जा सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसको वकील कभी कबूल नहीं करेगा, इसको बार कभी कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान में कभी भी मुतबादल अदलिया कायम नहीं की जा सकती, वकला और बार इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। बाबर आवान का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा जजेस भी तमाशाई बनकर ये तमाशा नहीं देखेंगे। रियासत के जिम्मेदार कहते हैं एक नहीं 4 से 5 मुसव्वदे हैं, लाखों लोगों के लिए 5 हाई कोर्ट्स में रिट का दरवाजा बंद होने जा रहा है। शहबाज खोसा ने कहा पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के हुकूक पर शबखून मारा जा रहा है। बिलावल भुट्टो अपनी वालदा के कातिलों के वकीलों के मशवरे पर चल रहे हैं। एक वजीर आला ने सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए विफाक पर हमला किया, पीटीआई का ऑपरेशन इंतजार के लिए था। विफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं अली अमीन गंडापुर ड्रामा करने के लिए सरकारी मुलाजिम लेकर आए, ये आपस में लड़ते रहे, कोई भी बाहर नहीं निकला। कौम मनफी सियासत में दिलचस्पी नहीं रखती, लोगों ने पीटीआई को मुश्तरक कर दिया। सिक्योरिटी वजूहात के बायस अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। जेल जराए का कहना है मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं, वकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी का इत्तलाक आम कैदियों पर भी होगा। क्या सोशल मीडिया इदारों और जजेस को गालियां देने के लिए है? सोशल मीडिया पर लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए इदारों से खेला जा रहा है, बड़े बड़े थंबनेल बनाए जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के माकला हिल्स नेशनल पार्क तोहीनी अदालत केस की समाप्त के दौरान रिमार्क्स, कहा इलेक्शन केस का फैसला 13 दिन में दिया, उस पर किसी ने गाली नहीं दी। इंतखाबात केस में किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया। क्या पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे? मियांवाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना खारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग की, मियांवाली में बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। कराची के इलाके लियारी कुम्हारवाड़ा रोड पर 6 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गई, मकीन खौफजदा होकर बाहर निकल आए, इमारत खाली कर दी, सड़कों पर जमा हो गए। मकीनों का कहना है दूसरी इमारत तामीर करने के लिए खुदाई से नुकसान हुआ, पुलिस ने इमारत के सामने सड़क को बंद कर दिया। लकी मरवत में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, बाप बेटा जहां बहक हो गए, मुलजिमान फरार, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकूमत का वजारत सरहदी उमूर खत्म करने का फैसला, राइट साइजिंग कमेटी ने वजारत सैफरान तहलील करने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक वजारत सैफरान को वजारत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में जम किया जाएगा, जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कोयटा, मस्तोंग और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की आज शाम रावलपिंडी, मरी, गिलियात, सरगोधा, लैया, तोनसा में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मैं पहले मुसलमान, फिर पाकिस्तानी और उसके बाद मेमन हूँ। मेमन नौजवानों को अपनी शनाख्त पर फख्र होना चाहिए, सर्द वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कलस्टर में जहरानी से खिताब, कहा उनके दौर में 500 जमातों पर मुश्तमिल मेमन फेडरेशन इंडिया भी WMO का हिस्सा बनी। अगले साल जनरल मीटिंग जद्दा में करेंगे, जद्दा में ना कर सके तो अमरीका में करेंगे। सलमान इकबाल का WMO सेंट्रल लेस्टर के लिए 2 लाख पाउंड का ऐलान, जहरानी में मेमन कम्युनिटी के सैकड़ों रहनुमा मौजूद, नायब सदर WMO महमूद शेखानी, सेक्रेटरी जनरल बशीर सत्तार और ग्लोबल लेडीज विंग के चेयरपर्सन शबाना अब्दुल रजाक भी शरीक हैं।
सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज, गुजश्ता रोज रियाज के अस्पताल मुंतकिल किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक शाह सलमान के फेफड़ों के इन्फेक्शन के बायस टेस्ट किए गए। चेन्नई में भारतीय फजाइया के एयर शो के दौरान 5 अमवात, हीट स्ट्रोक और पानी की कमी के बायस 200 से ज्यादा अफराद बेहोश हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर शो देखने 15 लाख अफराद मरीना बीच पहुंचे थे। पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से लोगों की हालत बिगड़ी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्देमुकाबले आएंगी। गुजश्ता रोज भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। 106 रन का अदद 7 गेंद का हासिल किया। वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को यकतरफा मुकाबले में 6 विकेट से शिकस्त दी। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम WBF फाइट में कामयाबी पर खुश। AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मेरा हरीफ अच्छा फाइटर था, उसकी कमजोरी पकड़ी और अटैक किया। वीजे में ताखीर की वजह से बहुत मुश्किलात हुई। फाइट वाले दिन ही माल्टा पहुंचा था। अगली टाइटल फाइट रोमानिया में होगी, जल्द तैयारी शुरू करूंगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में कवाली नाइट, मारूफ कवाल अबू मोहम्मद और फरीद अयास की परफॉर्मेंस। थिएटर और फनून लतीफा के फनकार मेले में 4 चांद लगा रहे हैं। दुनिया भर से आए फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है।